कमांडीपुरा को लेकर दो मुद्दे सदन के सामने रखे। पहला मुद्दा ये है कि हॉटस्टार के ऊपर एक सीरियल, वेब सीरियल कमांडीपुरा 3 खूने एक रहस्य, वो आज से एयर होने वाला था। परसों रात को उस एरिया के बहुत नौजवान लोग मेरे पास आए और उन्होंने, लड़के लड़की दोनों थे, उन्होंने कहा कि ये जो सीरियल आ रहा है उसमें कमांडीपुरा को बहुत बैड लाइट में दिखाया जा रहा है, तो उसको रोक लाना चाहिए। मैंने उसी वक्त एडिशनल सीपी से बात की, उन्होंने एक्शन ली और टेम्पररी उसको रोक लगाया गया। मेरी मांग है सरकार से कि जो कमांडीपुरा 3 खून एक रहस्य जो सीरीज़ है उसको देखा जाए और उस पर रोक लगा दी जाए। दूसरा मामला ये है कि जो एक मूवी रिलीज़ होने वाली 30 जुलाई को, जिसका नाम गंगूबाई काठियावाड़ी है, लोगों का उस पर आरोप है, आक्षेप है। यहाँ तक कि गंगूबाई का ग्रैंडसन परसों रात को मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि हमको भी इस फिल्म से ऑब्जेक्शन है, वहाँ के लोगों को इस फिल्म से ऑब्जेक्शन है। आज कमांडीपुरा रेड लाइट एरिया नहीं है, एक दो गली छोड़ के वहाँ पे तमाम अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ की बच्चियाँ पायलट हो चुकी है, डॉक्टर हो चुकी है, इंजीनियर हो चुकी है। वहाँ के लोगों का कहना है कि 1957 में हो सकता है, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, हम दुनिया भर की जो औरतें हैं उनको इसका अभिनंदन देते हैं और जिन्होंने अपने वक्त में संघर्ष किया उनका सम्मान भी करते। गंगूबाई ने अपने वक्त में वेश्याओं के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, हमारे दिल में उसके लिए सम्मान है। पर आज लोगों का उसके ऊपर फिल्म बना के कमांडीपुरा को बैड लाइट में दिखाने के लिए ऑब्जेक्शन है, मैं उन लोगों के साथ हूँ। हम ऐसा कोई काम होने नहीं देंगे जिसमें हमारे लोगों को बैड लाइट में दिखाया जाए, उनके रहने के ऊपर सवाल खड़े किए जाए। और जहाँ तक गंगूबाई काठियावाड़ का सवाल है, काठियावाड़ी का सवाल है, हम काठियावाड़ नाम वहाँ पर लगाने नहीं देंगे। किसी रीजन को किसी व्यक्ति के साथ, उसके पेशे के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मेरी सदन में ये मांग रही है अध्यक्ष के थ्रू होम मिनिस्टर से कि सबसे पहले उनको डिस्क्लेमर डालना होगा उस फिल्म के अंदर कि हम ये जो दिखा रहे हैं आज कमांडीपुरा वैसा नहीं है, और दूसरा गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम उनको बदलना होगा और उसका स्टोरी लाइन है वो होम मिनिस्टर से डिस्कस करके उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना। थैंक यू।